मैं हूँ दिलकशाह, पौधों की रंगीन दुनिया यानी रिमिस गार्डन में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो कुछ अलग तरह के टॉपिक पर है, जिसमें हम लाए हैं कुछ खास बेहतरीन फूल आपके लिए। आज की हमारी वीडियो में हम कुछ ऐसे पौधों के नाम बताएंगे जो बिना सनलाइट के लगते हैं। आप इन्हें घर के किसी एरिया में रख सकते हैं जहाँ धूप कम आती हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्लेमेटिस या लघु पर्णिका, ये रेन्यूकुलेसी कुल की फूलों वाली लताएं हैं, जिनमें बड़े आकार के खूबसूरत फूल खिलते हैं। लताएं 3 से 6 मीटर तक ग्रो करती हैं। इनके फूल खुशबू वाले होते हैं। फूलों का रंग लाल, सफ़ेद, नीला, गुलाबी आदि होता है। फूल 5 से 6 सेंटीमीटर तक के आकार के होते हैं। अगस्त से जनवरी तक ये खूब फूल खिलते हैं। इन्हें नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए होती है। ये पौधे बीज रूट डिवीजन, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या कटिंग से भी लगते हैं। फरवरी में इन्हें प्रून कर दें तो एक ही पौधा सालों साल खिलेगा। हाइड्रेंजिया को 70 से 75 किस्में होती हैं और यह एक खूबसूरत फूलों वाली बेल है। ये 15 फुट तक भी हो सकती हैं। झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसमें बड़े गुच्छों में फूल खिलते हैं। हाइड्रेंजिया के फूल कई रंगों जैसे सफ़ेद, नीला, लाल, गुलाबी आदि रंगों में खिलते हैं। कई बार आप एक रंग के हाइड्रेंजिया खरीदते हैं और घर आने पर उसमें कोई और रंग का फूल आता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रेंजिया के फूल सॉइल के पीएच के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। हाइड्रेंजिया कटिंग से लगाए जाते हैं। इन्हें स्लो रिलीज होने वाली सॉलिड फर्टिलाइजर डालनी चाहिए, एनपीके थोड़ी मात्रा में या सीवीड प्राकृतिक खाद के रूप में डाल सकते हैं। ईवी या हेडेरा की कई किस्में होती हैं, कुछ फूलों वाली तो कुछ रंगीन पत्तों वाली। कुछ एडिबल या खाने लायक होती हैं तो कुछ पॉइजनस भी। अगर आप नर्सरी से ले रहे हैं तो आपको ऑर्नामेंटल या एडिबल ही मिलेगी। ये बिना धूप के शेड में भी अच्छे ग्रो करते हैं। कुछ किस्मों में चटक लाल रंग के फल भी आते हैं। ईवी तेजी से फैलने वाली क्लाइंबर है जो देखने में अच्छी लगती है। ये सेल्फ सीडेड भी होते हैं, यानी खुद ही इनके नए पौधे उगते हैं और आप इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन पानी दें। 3 से 4 महीने में गोबर की थोड़ी खाद डालना अच्छा होगा। एल्बेरिक बारबियर, यह क्लाइंबिंग या लता वाली गुलाब की किस्म है जो कम धूप में भी लग जाती है। इसे रोजाना 2 घंटे की ही धूप चाहिए। ये फूल गुलाबी रंग के खिलते हैं जो अगले दिन सफ़ेद हो जाते हैं और उसके अगले दिन पीले हो जाते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये पौधे 15 से 25 फीट तक के हो सकते हैं। इन पौधों को खूब सारी गोबर की खाद चाहिए होती है। खाद और पानी अच्छे से मिले तो फूलों का खिलना लगातार जारी रहता है। साल में एक बार कटिंग या छटाई कर दें तो 20 साल तक एक ही पौधा रहेगा और इसमें फूल भी खिलेंगे। हनी सकल, वंदा या मधुमती, अपने नाम की तरह खूबसूरत इन फूलों की बेल छाया में भी लग जाती है और इनमें सालों भर खुशबूदार फूल गुच्छे में खिलते रहते हैं। 8 से 12 मीटर की इनकी लताएं होती हैं। ये ड्रम शेप्ड फूल होते हैं जो गुच्छे में खिलते हैं। फूलों का रंग आमतौर पर सफ़ेद, पीला, नारंगी, गुलाबी आदि होता है। भारत में इनकी सैकड़ों किस्में उपलब्ध हैं। ये लगभग सालों भर खिलते हैं। बीज और कटिंग दोनों से इन्हें लगाया जाता है, मगर सारी किस्मों में बीज नहीं आते, इसलिए कटिंग से लगाना सही है। बरसात में इनकी कटिंग लगती है और ये पौधे खूबसूरत ग्राउंड कवर के लिए भी लगाए जाते हैं। वर्जीनिया क्रीपर, इनका वैज्ञानिक नाम पार्थेनोसिस क्यूनिफोलिया है। हालांकि भारत में इनकी हरी किस्म कॉमन है, पर इनकी लाल पीले पत्तों वाली किस्म आपका दिल जीत लेंगी।
ये छाया में भी लगते हैं और बहुत तेजी से बढ़कर पूरी दीवार को ढक लेते हैं। इनमें छोटे फूल और बेरी जैसे फल भी आते हैं जिसमें बीज होते हैं। खाद की कोई खास जरूरत इन्हें नहीं होती, डोमेस्टिक कंपोस्ट भी काफ़ी होगा। रंगीन वैरायटी आपको किसी बेड और अच्छी नर्सरी में मिलेगी। सीड ऑनलाइन मिल सकती हैं, कुछ खास चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो आपको भी करनी होगी। किसमें हम बता देंगे, पौधे आप ढूंढ लें। मनी प्लांट, इनका बोटैनिकल नाम एपिप्रेमनम ऑरियम है और इनके बिना हमारी शेड लविंग क्लाइंबर की लिस्ट कैसे पूरी हो सकती है। अगर बढ़िया गोबर की खाद या जैविक खाद वाली मिट्टी में लगाएं तो ये 30 से 40 फुट तक के हो सकते हैं। हालांकि मनी प्लांट सिर्फ पानी में भी लगता है मगर तब ग्रोथ 8 से 10 फुट से ज़्यादा नहीं होती। इनमें कोई फूल नहीं आते मगर पत्तों के रंग और आकार में आपको विविधता मिल जाएगी। एक्सेलेंट एयर प्यूरिफायर भी है, वास्तु के अनुसार भी इन्हें शुभ माना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार होता है। तब तक हम फिर मिलेंगे, खुश रहें और अपने अपनों का ख्याल रखें।